नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों का एडमिशन स्ट्रीम वन ब्लॉक टू के लिए हुआ है और जिनका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में है, उन विद्यार्थियों के लिए NIS ने कल डेट शीट जारी कर दी गई है। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, वो यह वीडियो जरूर देखें और अपना डेटशीट का जो डेट है कि कौन से डेट को कौन सा एग्जाम है, उसको आप जरूर नोट करके रख लें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी बतलाएंगे आपको कि कैसे आपको NIS का डेटशीट मिलेगा, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे डाउनलोड करना है और भी अन्य बातें करेंगे। तो चलिए, आपने जैसे थंबनेल देख लिया होगा कि डेटशीट यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और 10वीं 12वीं दोनों क्लास के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें और ये NIS का मेन साइट है जहाँ से आप अपना डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम hdmis.nis.ac.in ये वेबसाइट का URL है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ PCP के लिए भी डेटा है और डेट शीट जो है वो अक्टूबर एग्जाम के लिए यहाँ पे दिया गया है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका डेट शीट डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है 16 सितंबर से 19 सितंबर तक। जो सब्जेक्ट्स है वो 10वीं क्लास के लिए इस कॉलम में और 12वीं क्लास के लिए इस कॉलम में दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के बीच होने हैं और 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के बीच में कौन कौन सा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो इस कॉलम में 12th क्लास का और इसमें 10th क्लास का। और 24 से 27 के लिए इस कॉलम में और इस कॉलम में दिया गया है और 28 से 1 अक्टूबर तक जो दिया गया है वो सारे 12th क्लास के लिए इस कॉलम में और 10th क्लास के लिए इस कॉलम में दिया गया है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि पिछले साल ही अभी इसी सीजन में वोकेशनल कोर्सेस ऐड हुए हैं, तो वोकेशनल कोर्सेस के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो 24 से लेके 1 अक्टूबर के बीच में वो सारे सब्जेक्ट का दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो वोकेशनल कोर्सेज दिए हैं उसमें प्रैक्टिकल होता है और वो प्रैक्टिकल आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो पहले जो मेन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल आते थे वो तो हम लोग देते ही थे एग्जाम, लेकिन इस बार वोकेशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देने, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और ये एग्जाम जो चलने वाले हैं वो 16 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक के बीच में सारे प्रैक्टिकल के 10वीं और 12वीं क्लास का एग्जाम होगा, तो इसको विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि 16 से 19 के बीच में जिसका होम साइंस है वो कहते हैं कि सर मैं 16 तारीख को जाऊँ या 17 को जाऊँ, 18 को जाऊँ या 19 को जाऊँ, तो कौन से दिन हमको जाना है, कौन से डेट को हमको जाना है एग्जाम देने के लिए। तो आप पहले फर्स्ट डेट को ही आप कन्फर्म कर लें कि कौन से डेट को मेरा एग्जाम होगा, ये आप एग्जाम सेंटर में जाके पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी दिन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर है जो एग्जाम लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे, उनसे जाके आपको पहले ही पूछना पड़ेगा सर मेरा जो एग्जाम है होम साइंस या किसी भी और सब्जेक्ट का जो इस डेट के बीच में आने हैं वो किस डेट को आप एग्जाम ले रहे हैं, तो वो बता देगा कि इस डेट को आपको आना है एग्जाम देने के लिए और फाइल जरूर बना के लेके आना है, क्योंकि फाइल में ही मार्क्स मिलता है। एग्जाम जो देंगे वो तो पास हो ही जाएंगे उसमें, लेकिन मेन है फाइल, आपको प्रैक्टिकल का फाइल बना के लेके जाना पड़ेगा। जितने भी सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट सॉरी प्रैक्टिकल है वो सारे के फाइल आपको सेपरेट बना के लेके जाना है और वो फाइल एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने से पहले एग्जामिनर फाइल जमा ले लेते हैं। तो क्लियर है आप लोगों को कि मैंने यहाँ बतला दिया आपको कैसे कैसे एग्जाम देने जाना है और प्रैक्टिकल का फाइल बना के ले जाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस हो गई है।
पीसीपी के लिए भी यहाँ पे देखिए कुछ नोटिफिकेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। पूरा लेटर जारी कर दिया गया है और यह सब्जेक्ट दिया गया है कि कम से कम 5 सब्जेक्ट में आपको पीसीपी का करना होता है, तो ये चीजें एक बार पढ़ लीजिए। जिनको पीसीपी करना है वो कर सकता है, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम आप ठीक से दें, थ्योरी का एग्जाम ठीक से दें, असाइनमेंट आप टाइम पे जमा कर दें, ये 3 काम आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये 3 काम कर देते हैं तो 100% आप पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम में कोशिश करना है आपको कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको लगभग में आप टच कर लें, और जिन क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है आपको लेकिन फिर भी उनको अपने हिसाब से कुछ तर्क वितर्क लगा के आप उनका आंसर जरूर लिखें। अगर आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो 100% है कि आप पास होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप कॉपी में क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाला आपको नंबर कैसे देगा। इस चीज का विशेष ध्यान दें, और ये हम आपको सजेशन ही देते हैं, एक प्रकार का सजेस्ट कर रहे हैं कि थ्योरी का एग्जाम में आप जितना लिखना चाहें उतना लिखें। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है फिर भी उस क्वेश्चन को आप जरूर लिखें, जो अपने हिसाब से आए, जो मन में आए क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ताकि आपको कम से कम कुछ नंबर मिले। और अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आप देते हैं, लिख देते हैं तो आपको 100% है कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, और सारे मार्क्स जोड़ जोड़ के आपको पास होने के लिए आप हो ही जाएंगे पास। मेरे ख्याल से आप पास हो ही जाएंगे, तो आप इस चीजों का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा वगैरह चाहिए, गाइड बुक्स वगैरह चाहिए, वो हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, सॉरी ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे 10th 12th के सैंपल पेपर है, बंगाली मीडियम की भी है और क्विक रिविजन बुक्स भी है, जो कि बहुत ही छोटी वाली बुक्स होती है, और इसको इजीली आप 15 से 20 दिन में पढ़ भी सकते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप हमारे वेबसाइट से ये ऑर्डर कर सकते हैं और ये विद इन 1 वीक में आपको डिलीवर हो जाएगा। जल्दी जल्दी के हैं तो उनको जल्दी ही मिल जाएगा, और नहीं तो आप हमारे नेक्स्ट जो हमारे स्टोर है वहां से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन जो नए विद्यार्थी जिन्होंने आप स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 के लिए एडमिशन लिए हैं, वो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस वेबसाइट पे आपके NIS के सॉल्व असाइनमेंट भी मिल जाएंगे और गाइड बुक्स भी मिल जाएंगे। और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आप हमें कॉल करके ले सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया के एडमिशन करते हैं और ऑल ओवर इंडिया असाइनमेंट बुक्स ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। और इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा प्रैक्टिकल डेट शीट डाउनलोड करने का, और हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे तो आप वहां दे सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।